गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करेंगे जूलॉजी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। आपके जूलॉजी बीएससी बीएड में केवल एक ही पेपर है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड बायोपोलीमर्स, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जो सेल होती हैं कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस में धागे के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए इन्हें एसिडिक नेचर कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड का मींस क्या हो गया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसका नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने, जो पस सेल्स होती हैं मवाद कोशिका उसमें न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था और उसे न्यूक्लियन नाम दिया। अब उसे न्यूक्लियन नाम ही क्यों दिया? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए इसे न्यूक्लियन नाम दिया। अब रिचर्ड अल्टमान एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अम्लीय गुण के बारे में बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट थे कोसेल, उन्होंने इसके रासायनिक घटकों के बारे में बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसमें पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये पांचों केमिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके बारे में बताया था कोसेल नामक साइंटिस्ट ने। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से होता है। जब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर इकाई हैं, बहुत सारी मोनोमर इकाइयाँ जुड़कर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक वॉल होती है, दीवार होती है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। ब्रिक्स क्या होती हैं? मोनोमर्स होती हैं। जब बहुत सारी मोनोमर्स इकाई आपस में जुड़ेगी तो उससे पॉलीमर्स बनेंगे। उसी टाइप से जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब एक साइंटिस्ट थे पीवी लेविन, इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब इन न्यूक्लिक एसिड को शुगर के बेसिस पे अपन ने डिवाइड किया गया है डीएनए एंड आरएनए। अब जो डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं डीएनए। जैसे सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसी टाइप से प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए भी होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, आद्य, और कैरियोटिक का मीन्स कैरियन से मिलकर बना होता है, जो कैरियन का मीन्स होता है केंद्रक। प्रो यानी प्रिमिटिव, ऐसा केंद्रक जिसका केंद्रक प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव इन द सेंस की जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में यहाँ यू का मतलब होता है डेवलप्ड, मतलब जिसका जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड इन द सेंस की केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, वो होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में, जिस सेल के अंदर अगर डीएनए है, वो कौन सा डीएनए है? प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो वो बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक की तुलना में अधिक अमाउंट में पाया जाता है। यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं एंड डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक डीएनए यूजुअली लीनियर होते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो नेक्ड होते हैं, नेक्ड मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और यूकैरियोटिक डीएनए कोटेड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में जीसी कंटेंट,
ज़्यादा होता है एसी कंटेंट के। अब जीसी कंटेंट इन द सेंस गुआनिन एंड साइटोसिन, मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर गुआनिन एंड साइटोसिन अधिक होता है एडिनिन एंड थायमिन की तुलना में, एंड यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर वाइस वर्सा, मतलब एडिनिन और थायमिन क्या होते हैं, एडिनिन थायमिन कंटेंट अधिक होते हैं गुआनिन एंड साइटोसिन से। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक के अंदर रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर बहुत ही कम पार्ट जो होता है उसका डीएनए का वो फंक्शन लेस होता है, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट डीएनए का फंक्शन करता है लेकिन कुछ पार्ट होता है डीएनए का वो फंक्शन लेस होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर ग्रेटर पार्ट ऑफ डीएनए वो फंक्शन लेस होता है। ये डीएनए के बारे में है। अपन एक बार इसे वापस रिपीट करेंगे कि जो डीएनए है वो क्या होते हैं, बायो पॉलीमर्स होते हैं एंड लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसे न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसका नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। 1868 में फ्रेडरिक मिशेल ने इसे आइसोलेट किया था पस सेल्स में से और इसे न्यूक्लियर नाम दिया था, और रिचर्ड अल्टमान ने इसके अम्लीय गुण का पता लगाया था और इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। कोसेल ने इसके रासायनिक घटकों के बारे में बताया था, रासायनिक घटक कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। पीवी लेविन के अनुसार न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ये है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक की तुलना में अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक डीएनए हैं वो सर्कुलर होते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूजुअली लीनियर होते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए वो नेक्ड होते हैं, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक कोटेड होते हैं एंड हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जीसी कंटेंट गुआनिन एंड साइटोसिन इसके अंदर ज़्यादा होता है एडिनिन एंड थायमिन की तुलना में, जबकि यूकैरियोट में एडिनिन एंड थायमिन कंटेंट ज़्यादा होता है गुआनिन एंड साइटोसिन में। प्रोकैरियोटिक में रिपीटेड सीक्वेंस एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक में रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। इसमें यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसका बहुत ही कम पार्ट जो होता है वो फंक्शन लेस होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ग्रेटर पार्ट डीएनए का फंक्शन लेस होता है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो डीएनए एक्चुअल में होते क्या हैं, पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स तीन सब कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर होती हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। अब जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पेंटो शुगर के बारे में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है उसकी स्ट्रक्चर अपन राइबोज स्ट्रक्चर देखेंगे पहले पेंटो शुगर की नॉर्मल। तो एक ऑक्सीजन, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये से कार्बन को इंडिकेट करते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर 5 हैं, इसीलिए इसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। इसमें HOH, यहाँ पे भी नंबर 3 कार्बन पे भी HOH, नंबर 4 पे भी एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये H2O और OH, ये होती हैं पेंटोज शुगर। ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये है राइबोज शुगर। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसकी और दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती हैं लेकिन इसमें नंबर 2 कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सी। डी का मीन्स होता है यहाँ एब्सेंट, किसी की कमी होना ऑक्सीजन की। तो नंबर 2 कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है इसीलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है।
फॉस्फोरिक एसिड ये फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होता है जो शर्करा अणुओं से जुड़ता है। दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। यह दो न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के तीन कार्बन के OH समूह के साथ मिलकर एस्टर बॉन्ड बनाता है और दूसरी न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के 5 कार्बन से OH के साथ दूसरा एस्टर बंध बनाता है। मतलब दो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में एक फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो ये जब एक से 3 कार्बन से जुड़ेगा और दूसरे से 5 कार्बन से जुड़ेगा और दोनों के बीच में कौन सा दोनों के बीच में बॉन्ड होंगे एस्टर बॉन्ड, और दोनों को मिलाकर अपन बोलेंगे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब बोल रहे नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। जो पिरिमिडिन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी से एंड साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब इसके अंदर एक नोट है कि थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। आरएनए के अंदर जो थाइमिन होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल के द्वारा, मतलब थाइमिन की जगह क्या आ जाता है यूरेसिल। तो जो आरएनए है उसके अंदर पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन कौन से होंगे, यूरेसिल एंड साइटोसिन। प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन भी दो टाइप के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से एंड ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं नंबर 1 पोजीशन पर और नंबर 3 पोजीशन पर। इस पूरी रिंग को बोलते हैं अपन पिरिमिडिन रिंग। इसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 होते हैं और नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं। नंबर फर्स्ट एंड नंबर 3 पोजीशन पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ये वाली जो फर्स्ट जो सेम पिरिमिडिन के समान होती है, तो ये इसे पिरिमिडिन अपन रिंग बोलेंगे और दूसरी जो रिंग है इसे इमिडाजोल रिंग बोलेंगे। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवन्थ पोजीशन और नाइन्थ पोजीशन के ऊपर प्यूरिन प्रेजेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बेसिकली अपने को पता है ये नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड जो शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होता है। अब नोट अपने को, जो नाइट्रोजन बेस होता है वो हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ता है। पिरिमिडिन जो क्षारक हैं बेस हैं वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अपनी थर्ड पोजीशन, अगर नाइट्रोजन बेस कोई भी नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है वो शुगर के तो फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ेगा। लेकिन अब कौन सा जो नाइट्रोजन बेस है पिरिमिडिन अगर बेस है तो वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अपनी थर्ड पोजीशन से जुड़ता है, जबकि प्यूरिन क्षारक जो है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से अपनी नाइन्थ पोजीशन से जुड़ता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस ये फर्स्ट कार्बन है शुगर का, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जो है वो हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ेगा। अगर यहाँ पिरिमिडिन रिंग है, ये प्यूरिन रिंग है, तो ये अपनी थर्ड पोजीशन से जुड़ेगा। अगर इस प्यूरिन रिंग की जगह अगर पिरिमिडिन रिंग होती तो पिरिमिडिन अपने नाइन्थ पोजीशन से शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगी। ये अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखें, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड नहीं है, ये एस्टर बंध बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब हम इसकी सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये यहाँ से फर्स्ट पोजिशन पर शुगर है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये नाइट्रोजन क्षार है। तो ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये शुगर के फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, और ये जो शुगर के यहाँ से अपन डायरेक्ट इसको फॉस्फोरस को यहाँ से जोड़ नहीं सकते, ये यहाँ से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फोर्थ नंबर का कार्बन है और ये फिफ्थ नंबर के कार्बन से जुड़ता है फॉस्फोरस। तो यहाँ कौन सा होगा, फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ से ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस होते हैं उसके बेसिस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं।
अपने को पता है जो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर जब जुड़ते हैं तो ये बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फेट जुड़ते हैं तो वो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें नाइट्रोजन बेस फोर टाइप के होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जब एडिनिन से शुगर जुड़ेगा तो बनेगा डी ऑक्सी एडिनोसिन, और इससे फॉस्फेट जुड़ेगा तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो होगा डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके सिंपल स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये एडिनिन जो नाइट्रोजन बेस है। अब सेकंड अपन अगर ग्वानिन जोड़ेंगे, ग्वानिन प्लस शुगर जोड़ेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा, डी ऑक्सी ग्वानोसिन। अब इससे फॉस्फेट जोड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा डी ऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉस्फेट ये शुगर है, ये ग्वानिन जो नाइट्रोजन क्षार है, और साइटोसिन प्लस शुगर बनेगा तो इससे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो होगा डी ऑक्सी साइटिडीन प्लस फॉस्फेट जुड़ेगा तो इससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो होगा डी ऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब थाइमिन प्लस शुगर जुड़ेगा तो डी ऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और जिससे फॉस्फेट जोड़ेंगे तो वो बनेगा डी ऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर ये है। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखेंगे, वो अपन ने ऊपर देखी थी सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब इसकी पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड चेन से निर्मित होता है। तो ये है अपना शुगर मॉलिक्यूल, इससे फिफ्थ नंबर की पोजीशन पर जुड़ा है फॉस्फेट, और इसके फर्स्ट नंबर से जुड़ा है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन क्षार है, ये एडिनिन नाइट्रोजन क्षार है। ये सेकंड से जुड़ा हो तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जो शर्करा जो शुगर और जो नाइट्रोजन क्षारक है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हमेशा एडिनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसके बीच में एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसमें दो स्ट्रैंड है, इसमें हमेशा जो एक स्ट्रैंड ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये इसका 5 एंड प्राइम है और ये इसका 3 एंड प्राइम है। अब इसे 5 एंड प्राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो शुगर है इसके फिफ्थ नंबर की पोजीशन पे जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ये फिफ्थ नंबर से कुछ और आगे, ये श्रृंखला आगे नहीं बढ़ रही है, ये फिफ्थ नंबर के कार्बन पर स्टॉप हो रहा है। और नीचे से अगर अपन देखेंगे तो इसके थर्ड नंबर की पोजीशन पे जो आगे से श्रृंखला जुड़ी होती है इसके थर्ड नंबर की पोजीशन पर ये फ्री है, थर्ड नंबर से आगे ये कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका एक प्राइम है 3 एंड प्राइम और ऊपर वाला है 5 एंड प्राइम। और इससे जो जुड़ने वाली जो स्ट्रैंड है वो जस्ट इसके अपोजिट होती है, इसका जो होगा 3 एंड प्राइम और ये है 5th एंड प्राइम। तो ये अपने को ये एडिनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर का वैज्ञानिक इतिहास, डीएनए की जो संरचना है उसमें कई वैज्ञानिकों ने इसे समझाया था। वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था डीएनए की संरचना को 1953 में, वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। डीएनए सेल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अणु होता है और ये ऋण आवेशित होता है, हमेशा इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी जो आणविक संरचना होती है वो 3D में होती है, इसकी दोनों श्रृंखलाएँ जो होती हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, मतलब एक 5 एंड प्राइम टू 3 एंड प्राइम से एक सिरा होगा तो दूसरा 3rd to 5th एंड प्राइम का होगा। डीएनए के आधार पर एकांतर क्रम में, ये देखो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसमें एक सीक्वेंस में एकांतर क्रम में एक शुगर है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट, ये अल्टरनेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो अंदर की तरफ स्थित होता है, ये एडिनिन है, ये साइटोसिन है, ये हमेशा जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो हमेशा अंदर की तरफ स्थित होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक में प्यूरिन और पिरिमिडिन के साथ बंधे होते हैं, ये प्यूरिन है, एडिनिन क्या है,
प्यूरिन है एंड थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है। तो एडिन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के साथ बंधे होते हैं एडिनिन थाइमिन के मध्य, एडिनिन थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन एंड साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडिनिन थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये बंध हाइड्रोजन बंध प्रकार के होते हैं। सामान्यतः एक जो डीएनए होता है वो सामान्यतः एक डीएनए में एक लूप में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये पूरा एक लूप है, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी, ये डीएनए बी प्रकार का डीएनए है। सभी डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड ही नहीं पाए जाते हैं, ये बी प्रकार का डीएनए है, इसीलिए इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का जो व्यास होता है ये 20 एंगस्ट्रोम का होता है। फॉस्फेट एंड शुगर के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और शर्करा एंड नाइट्रोजन क्षार के मध्य ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए में दोनों श्रृंखला में एक दूसरे के कुंडलित होने के कारण जगह जगह पर खांच बन जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये जब कुंडलित होते हैं तो इसके जो ग्रूव बन जाते हैं ये मेजर, इसमें दो टाइप के ग्रूव होते हैं, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव है। डीएनए के कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रोम की होती है। ये एक जो लूप है पूरा, इसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रोम होती है और इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रोम का होता है। और जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो एडिनिन एंड थाइमिन होते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रोम का होता है। इसके जो मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग से अपन देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन, अगर न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन आ जाए तो न्यूक्लिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड और इसका नेचर एसिडिक होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। लेकिन जब आ जाए कि इसका नाम किसने, इसे न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, तो इसे न्यूक्लिक एसिड नाम रिचर्ड अल्टमैन ने दिया था। और दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन इसको किसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, इसको पेंटोज शुगर, जो इसमें शुगर प्रेजेंट होती है उस शुगर के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए की स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर में आपको नंबर ऑफ कार्बन जो आरएनए के अंदर होती है राइबो शुगर, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5 होते हैं। लेकिन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में केवल एक ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि राइबो शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट होती है उसमें नंबर 2 कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के अंदर नंबर 2 कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर जब केवल एक शुगर से जुड़ा होता है तो उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंद नहीं होता है। दो शुगर के बीच में जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन क्षारक पिरिमिडिन थाइमिन एंड साइटोसिन होता है और प्यूरिन एडिनिन एंड ग्वानिन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो थाइमिन होता है वो थाइमिन रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल, जो आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। प्यूरिन हमेशा सिंगल रिंग होती है, पिरिमिडिन हमेशा में सिंगल रिंग होती है और प्यूरिन में हमेशा डबल रिंग होती है। एक पिरिमिडिन रिंग होती है, दूसरी इमिडाजोल रिंग होती है। इसमें आपको प्यूरिन में केवल फर्स्ट एंड थर्ड नंबर की पोजिशन पर ही क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्यूरिन में फर्स्ट थर्ड सेवन्थ एंड नाइन्थ पोजिशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड के बीच में हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब नाइट्रोजन बेस होता है वो हमेशा जो शुगर होती है उसके फर्स्ट पोजीशन के कार्बन से ही जुड़ता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट नंबर की पोजीशन पर क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अगर पिरिमिडिन जुड़ रहा है तो वो फर्स्ट कार्बन से अपनी थर्ड पोजीशन से जुड़ेगा, जबकि अगर प्यूरिन जुड़ रहा है तो वो फर्स्ट कार्बन पर अपनी नाइन्थ पोजीशन से ही जुड़ेगा।
इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इन दोनों के बीच में बनने वाला फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होता है। चार टाइप के इसमें नाइट्रोजन बेस हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि एडिनिन थाइमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और साइटोसिन एंड ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इसकी स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है, जो डीएनए होता है इसकी हर एक लूप जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है और इसका जो व्यास होता है दोनों लूप के बीच का जो व्यास होता है वो दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। इसमें जो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक मेजर ग्रुप होता है और माइनर ग्रुप होता है। फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और दोनों श्रृंखला में जो शुगर होती है ये इस स्ट्रैंड की शुगर है, ये इस स्ट्रैंड की शुगर, इन दोनों स्ट्रैंड की जो शुगर्स हैं इनके बीच का जो बीच की जो दूरी होती है वो 11 एंगस्ट्रॉम की होती है। बस यही करना होता है तो इसमें कर ले।